नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश चौधरी। आज हम बात करेंगे विजुअल पाथवे की। विजुअल पाथवे क्या होता है? जो हमारी आंखों से जो इमेज बनती है, पहले दो इमेज बनती हैं, फिर उससे एक इमेज बनती है। तो वो मैं पूरा समझाऊंगा डायग्राम से, किस तरीके से कहाँ पे हमारी लाइट फोकस होती है, किस किस हमारे भाग से होती हुई जाती है और कहाँ कहाँ जाके हमारे सिंगल जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, वो चीज़ मैं बताऊँगा। मैं दिखाता हूँ, लेफ्ट आई है, ये हमारी राइट आई है। तो ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती हैं, रेटिना के अंदर एक गैंग्लियन सेल्स नाम की लेयर होती है, जो आठवीं लेयर होती है, उसके अंदर हमारे ऑक्सॉन्स होते हैं। ऑक्सॉन्स का काम क्या होता है? वो एक लेयर, उसकी वायर की तरह होते हैं लिपटे हुए, जो हमारी ब्रेन तक हमारी जो भी लाइट होती है या फोकस होता है उस काम को करते हैं, वो ब्रेन तक पहुंचाने में हमारा वो काम करते हैं। एक बंडल की तरह होते हैं, जैसे हम नर्व फाइबर्स बोलते हैं। तो नर्व फाइबर्स जो होता है वहाँ पे, अब इसे हम देखते किस तरीके, हमारे थर्मोस्कोप से हम इसे देखते हैं, तो हम देखते हैं उसे, वो होता है हमारा ऑप्टिक डिस्क। जब ऑप्टिक डिस्क को हम देखते हैं तो हम उससे देखते हैं डायरेक्ट ऑप्थोल्मोस्कोप से। होता है यहाँ से हम, जब ये हमारी अंदर की साइड है, ये नेजल साइड होती है, ये टेम्परल साइड होती है, तो ये हो गई हमारी ऑप्टिक नर्व हो गई ये वाली। तो ये ऑप्टिक नर्व जब हमारी धीरे धीरे चलती हैं, तो जब ऑप्टिक नर्व हमारी दोनों आँखों की चलती हैं, जहाँ पर हम ये क्रॉस कर रही है, ये अंदर की साइड जहाँ पर क्रॉस कर रही है, ये हमारा जो दूसरा पार्ट बनेगा हमारा ऑप्टिक चश्मा बनता है। और ये चश्मा से चलते हैं नीचे को, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट यहाँ पर आके बनता है। तो यहाँ पर प्यूटिटरी ग्लैंड होते हैं, एक यहाँ पर प्यूटिटरी ग्लैंड होते हैं जहाँ पर ये क्रॉस करते हैं, प्यूटिटरी ग्लैंड वहाँ पर दिखाई देता है। ऑप्टिक नर्व होती हैं ये हमारी, एक तो होती हैं बाहर की साइड को, जिसे हम टेम्परल साइड बोलते हैं, एक होती है नेजल साइड, जो हमारी अंदर की साइड होती है। जो टेम्परल साइड होती है वो हमारी नीचे तक सीधी आती हैं, लेकिन जो नेजल साइड होती है अंदर वाली, ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो जहाँ पर क्रॉस कर रही हैं वो ऑप्टिक चश्मा हो गया। ऑप्टिक चश्मा से नीचे हमारा आ गया ऑप्टिक ट्रैक्ट आ गया ये आपका। ये यहाँ पर इम्पल्स होते हैं इसके अंदर, जो हमारी इमेज को राइट आई का लेफ्ट आई में बनता है। जैसे ये हमारी राइट आई थी, तो राइट का हमारा लेफ्ट में जाएगा और लेफ्ट का हमारा राइट में जाएगा। तो ये होता है लेटरल जेनिकुलेटेड बॉडी होती है हमारी, यहाँ से ये हमारे इम्पल्स हैं। तो इम्पल्स का काम क्या होता है? जो ऑप्टिक रेडिएशन होती है यहाँ तक, तो ये विजुअल कॉर्टेक्स तक ऑक्यूपिटल लैब होती है, ये वहाँ तक पहुँचाने में काम, ये ऑक्यूपिटल जो लैब होती है ये उसके पीछे होती है, आपका कॉर्टेक्स होता है, विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है उसके बैक साइड में जो होता है ब्रेन में, ये यहाँ पे प्रोड्यूस रहती है ऑक्यूपिटल लैब जो होती है। ये हमारा जो साइड होता है ये विजुअल कॉर्टेक्स होता है, ये हमारा जो हमारी, फिर जब हमारी जो लास्ट में जो इमेज जो बनती है, तो जो हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है हमारा। जब इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर हमारी जो लाइटें बनती है, तो स्टिमुलेशन कहते हैं उसे, तो वो रेटिना का ही पार्ट होता है। तो जब हमारी जाके पूरी एक इमेज जाके बनती है, तो जब हमारी इमेज पूरी बनती है रेटिना पर जाके, फिर रेटिना से हमारी जो लाइट निकलती है लेंस से, जब जाके हम किसी भी इमेज को पहचान पाते हैं कि हाँ वो एक ही इमेज है, पहले से तो दो इमेज बनती हैं। तो ये था हमारा पूरा विजुअल पाथवे। थैंक यू।